न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग इंस्टीट्यूट रीवा। चुनाव जीतने के बाद जनता को भूल जाना और चुनाव आते ही नए नए हथकंडे अपनाकर चहेतों को जितवाकर अपने विकास की बात कर सफलता मिलने का दावा करने वालों की पोल खुलनी शुरू हो गई है। एक वार्ड से 3 प्रत्याशी जीत का दावा कर रहे हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि नेता किस तरह से गंदी चाल चलकर वोट हासिल करते हैं और फिर असफल होने पर चुनावी हथकंडे अपनाते हैं। दरअसल मामला सिमरिया विधानसभा का है, जहां ग्राम पंचायत सथनी जनपद सिरमौर के वार्ड क्रमांक 15 मतदान केंद्र मुड़ियारी के पोलिंग शिक्षा गारंटी शाला और पोलिंग क्रमांक 217 में मतों की पुनर्गणना की मांग की गई। कलेक्टर कार्यालय पहुंचे प्रत्याशियों ने सिमरिया विधायक के इशारे पर जीती बाजी पलटने का आरोप लगाया है। कलेक्टर कार्यालय पहुंचे संजय तिवारी, अंकित कुमार श्रीवास्तव और अन्य लोगों ने बताया कि उनके साथ धोखा किया गया है। मतों की गणना के दौरान उनके प्रतिनिधियों को बूथ से बाहर कर दिया गया और वोटों की काउंटिंग करा दी गई। जहां प्रत्याशी एक वोट से पिछड़ रहे थे, तो वहीं देखते ही देखते 200 वोटों से पीछे कर दिया गया। प्रत्याशियों ने बताया कि जनता चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि जिस व्यक्ति को हमने वोट ही नहीं दिया, वो इस पोलिंग में इतनी वोट कैसे पा सकता है। इतना ही नहीं, प्रत्याशियों ने यह भी बताया कि मतदान केंद्र 200 शिक्षा गारंटी शाला मुड़ियारी एवं दुग्गमा पंचायत पोलिंग क्रमांक 217 में मतदान हुआ था। मतों की गणना जो की गई थी, उसमें निर्वाचन अधिकारी के द्वारा धांधली करते हुए प्रार्थी को मतदान केंद्र 200 मुड़ियारी के पोलिंग शिक्षा गारंटी शाला में 164 मत प्राप्त होना बताया गया, जबकि उक्त मतदान केंद्र में उसे लगभग 200 से अधिक मत प्राप्त हुए थे। इसी तरह से दुग्गवा पंचायत पोलिंग क्रमांक 217 में 48 मत बताया गया, जबकि उक्त मतदान केंद्र पर उसे लगभग 100 से अधिक मत प्राप्त हुए हैं। वहीं प्रत्याशियों ने बताया कि विधायक के त्रिपाठी के चहेते भाजपा कार्यकर्ता अभिषेक त्रिपाठी को जिताने के लिए पीठासीन अधिकारी विधायक के दबाव में आकर पूरी धांधली किए हैं। जनता का निष्पक्ष चुनाव पर विश्वास बना रहे और इसके लिए चाहिए कि कलेक्टर ऐसी शिकायतों का त्वरित निराकरण कर कार्रवाई करें और पुनः ऐसी घटना ना हो, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। आइए आपको सुनाते हैं रीवा पहुंचे प्रत्याशियों ने क्या आरोप लगाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज। हमें चाहिए साहब, अपने दीजिए जो नियम है। आप बोल रहे हैं कि फॉर्म नहीं मिल रहा, इसमें आप हमको दे दीजिए। हमारे अधिकारी से बात करिए, वो हमारे ऑफिस भैया, तो आपके पास आपत्ति का फॉर्म तो होता है ना? ना पीठासीन महोदय, पीठासीन महोदय, आपके पास आपत्ति का फॉर्म तो होता है ना? ये भाई खास भी आप बोल रहे हैं नहीं है, तो इसमें भी नहीं दे रहे हैं। पीठासीन महोदय, हमें आपत्ति है सर, वीडियो चालू है, आपको मुझसे बोलना पड़ेगा। आप नहीं देंगे? हमारे अधिकारी से बात करिए, हमारे वो अधिकारी तो अधिकारी तो आप है ना? हमारे अधिकारी का है। प्रत्याशी थे आप, क्या घटना पूरी हुई और किस तरह से साजिश से हराया गया आप लोगों को? सर ऐसा था कि इन्होंने पूरी तरह से माननीय विधायक के बी त्रिपाठी द्वारा दबाव बना के, रिटर्निंग ऑफिसर आपके प्रदीप त्रिपाठी जी के ऊपर दबाव बना के और टोटल मानसिक प्रेशर अरुण त्रिपाठी के ऊपर दबाव बना के और मतों की संख्या को गड़बड़ी की गई और अपन मुड़ियारी और दुग्गमा, अपन दुग्गमा से बढ़त बनाए और बढ़त बना के मुड़ियारी जब पहुँचे तो हम पोलिंग के अंदर हम गए हैं तो मेरे कम से कम 200 मत थे वहाँ, 200 मत थे। उस मत से हम लगभग 100 वोट से जीत जाते, वो हम देख के आए थे अंदर। फिर हमको बाहर किया गया, फिर इसके बाद जिला की काउंटिंग होगी, इसके बाद हम आपको बुलाते हैं। हमको बाहर किया गया, हम लोग बाहर गए, जैसे बाहर जाते हैं तो 20 मिनट बाद ये मतलब अंदर बंद करके और इसके बाद उसकी गणना कर लेते हैं, ना कि न तो मेरा कोई मतलब है सबको बाहर करके और इसके कुछ लिख के दिया वहाँ जो स्लिप बनती है कि कितना वोट पाया। नहीं नहीं, गणना पत्रक वो बाद में दिए, सब गलत था। हमने बोला कि ऐसा नहीं है, मेरे एजेंट नहीं थे तो आप गणना कैसे कर लिए, मुझे रिकाउंटिंग करनी है, तो वो रिकाउंटिंग नहीं, उसका ना रिकाउंटिंग ना कर दिए और बोले कि आपको जो करना हो कर लो। और चार गाड़ी पुलिस बल बलवा के पूर्व गाड़ी गुप्ता उठ पटांग शुरू हुआ और बहुत सारे प्रयास करने के बाद जो पब्लिक वहाँ सारी मुड़ियारी की पब्लिक थी और चिल्ला रही थी कि इनको वोट नहीं दिया, ये वोट कहाँ से पा गया, जीतेगा ऐसा है। मेरे को उसमें 64 मत प्राप्त हुए हैं जो कि 200 मत चाहिए। अब क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मतलब आवेदन में आज लोकतंत्र की हत्या हुई है, वोटों की गिनती को चुरा के हमारे मत जो हैं इधर उधर ट्रांसफर करके किया गया है, उसका रिकाउंटिंग करा के और कलेक्टर साहब को आवेदन दिए हैं कि इसकी
मतलब जो है सही तरीके से जांच करके और रिकाउंटिंग की जाए। कहां से आए हैं? मैं कटकी का हूं, जनपद पंचायत सिरमौर के वार्ड क्रमांक 15 से जनपद सदस्य का चुनाव लड़ा था। हाँ, बताइए क्या हुआ? उसमें ये हुआ था कि जब 3 पोलिंग का रिजल्ट बाकी था, बाकी पोलिंग का रुझान आ चुका था, तो उसमें क्या हुआ कि मैं 1 वोट से पीछे था। उसके बाद मुड़ियारी पोलिंग में जब पहले बार ये पहले चरण का ये हुआ, मतगणना हुआ, उसमें मेरे 68 वोट थे। उसके बाद रिकाउंटिंग हुआ, दम जो भी उन्होंने किया, उसके बाद मैं सीधे 4 मत पे आ गया। जब और हमारे एजेंट जो थे पोलिंग एजेंट, उनको बाहर कर दिया गया। और हम लोग जब प्रत्याशी भैया ये संजय तिवारी जी हैं, ये भी प्रत्याशी थे, मैं जय बोले एक और थे नरेंद्र द्विवेदी, जब हम लोग अंदर जाने का प्रयास किए तो हम लोग को अंदर नहीं जाने दिया। माननीय केपी त्रिपाठी जी विधायक द्वारा वहाँ पे दबाव बनाया गया। हम लोग जब अंदर जाने की कोशिश किए तो वहाँ पे पुलिस बल, मतलब 3 गाड़ी पुलिस बुलवा के, और ये जो पीठासीन अधिकारी थे बोले अब कुछ नहीं हो सकता है, आप लोग जाइए, जो करना है वो कर लीजिए। अब क्या चाहते हैं आप? अब हम यही चाहते हैं कि सारी जितने भी वो हैं 3 पोलिंग के ये अपना रिकाउंटिंग हो। SDM पीठासीन अधिकारी कौन था वहाँ? पीठासीन अधिकारी नीलमणि अग्निहोत्री थे। इन्हीं के पास फोन आया था विधायक का? विधायक का फोन त्रिपाठी नहीं था, अरुण त्रिपाठी, अरुण त्रिपाठी करके था। तो इन्हीं के पास फोन आया था के पास, और ये जो हमारे प्रतिद्वंदी थे जिनको उनका कहीं नाम भी नहीं थे, ना वो लड़ाई में थे कहीं पे, उनका जीत घोषित किया गया। वो भाजपा के ही कुछ संगठन में कुछ हैं, मतलब अब ब्लॉक या कुछ वीडियो भी है आपके पास? हाँ, ना जाने हमारे पास क्या है वीडियो में। वीडियो में यही बताया जा रहा है कि अधिकारियों से फॉर्म की मांग कर रहे थे, हमें आपत्ति फॉर्म दिया नहीं गया। हम रिकाउंटिंग की मांग भी किए कि रिकाउंटिंग कर दी जाए, क्योंकि हम पे प्रेशर, सुरक्षा जो बल था हम पे प्रेशर डाला गया, हम लोगों के ऊपर लाठीचार्ज करने की कोशिश की गई, हम लोगों का अभद्रपूर्ण व्यवहार लोगों ने किया, गाली गलौज भी किए। कौन लोग थे जो गाली गलौज कर रहे थे? दूसरी पार्टी वाले जो थे, उन्होंने गाली गलौज की, जो उनके साथ पीठासीन महोदय थे, हम लोग उनसे 1 घंटे टोटल लोग से बोलते गए, गिड़गिड़ाते गए, साहेब रिकाउंटिंग कर दीजिए। चूँकि जब हम लोगों साथ जब हम लोग वहाँ पहुँचे, जिला की गिनती चालू थी, हम लोग उससे बोला गया कि BDC की जो गिनती है वो बाद में होगी। हम लोग थोड़ा सा इधर उधर थोड़ा सा हुए क्या, इन्होंने फिर से BDC का पर्चा खोल के BDC की काउंटिंग स्टार्ट कर दी, और किसी को पता भी नहीं चला, और एजेंट जो थी BDC धोखे में रख के आप लोगों को रख दिया। धोखे के साथ ये सारी चीज़ें की गई। हम लोग जब गए तो ये पता चला कि BDC का जो है क्लियर हो गया, डिक्लेयर कर दिए रिजल्ट। हम लोगों ने बोला कि जब कोई जो है वहाँ पे था नहीं, क्योंकि उस वहाँ पे जो एजेंट थे तो सिर्फ उन्हीं जो जीते हुए प्रत्याशी थे उनके एजेंट थे, और दूर के जो प्रतिद्वंदी थे जिनको जीत से कोई मतलब ही नहीं था वो वहाँ पे थे। तो ऐसे करके जो है वोटों की काउंटिंग मतलब अगल बगल कर दी गई, कि मतलब दूसरे प्रत्याशी को दूसरे वोट जैसा के मतलब उन्होंने अपनी काउंटिंग कंप्लीट कर ली। हम लोगों द्वारा जब मांग की गई कि रिकाउंटिंग की जाए, चूँकि ये होता है प्रत्याशियों के अधिकार है कि रिकाउंटिंग करवा सकते हैं, अगर रिकाउंटिंग नहीं कर सकते तो उनको ये होता प्रावधान होता है प्रत्याशियों के पास कि वो आपत्ति का फॉर्म ले लें। वहाँ पे आपत्ति का फॉर्म जो हम दे रहे थे, हम लोगों की बात नहीं सुनी गई, उनमें से वो ये बोला गया आप हमारे अधिकारी से बात करिए, यहाँ तक कि जो हमारे अधिकारी थे उन्होंने बोला आप रात में ही जाइए सिरमौर करा लीजिए अगर करा सकते हैं। अभी रीवा में किससे शिकायत की आपने? अभी हम कलेक्टर साहब के पास गए थे, आदरणीय मनोज पुष्प जी के पास, वो चूँकि नहीं थे ऑफिस में, तो हम लोग अरविंद कुमार झा जो अपर कलेक्टर हैं उनके पास गए, उन्होंने बोला कि शिकायत विभाग के पास आप जाइए जो है, वहाँ से हम लोगों ने जमा किया और वहाँ से रिसीविंग जो है। कुमार द्विवेदी नाम है, सिरमौर जनपद वार्ड क्रमांक 15 से प्रत्याशी था मैं। बताइए क्या हुआ? घटना ऐसी है कि हमारे यहाँ लगता है कि ऊपर से दबाव विधायक जी द्वारा दिया गया है। कौन से विधायक? विधायक केके त्रिपाठी सिमरिया विधायक से, क्योंकि जो प्रत्याशी था उसके कहीं नाम ही नहीं थे, और हमारे यहाँ जो एजेंट थे उनको सबको बाहर करके, उनके खाली वहाँ पर जो प्रत्याशी थे त्रिपाठी के ही प्रत्याशी थे उनको अंदर रखा गया, उनके द्वारा काउंटिंग कराई गई। 164 में कुल मत पड़े हैं वहाँ पे 417, जो पर्चियाँ मिली है 420 मिली, ये कैसे हो सकता है? बिना प्रेफर बिना दबाव के हो नहीं सकता है। इतना बड़ा दबाव बनाया गया वहाँ कर्मचारियों के ऊपर जिताने के लिए, आप जाइए पब्लिक से पूछिए, कोई बोलता ही नहीं कोई आदमी जीतेगा, फिर वो जीता कैसे? इसके लिए इनको बहुत बड़ी साजिश उपस्थित की गई है। एक पोलिंग नहीं, हर पोलिंग की घटना मेरे साथी लोग बता रहे हैं कि मुड़ियारी में वही किया गया, एक दुग्गम में भी किया गया, सतनी में भी यही किया गया। तो इसकी जाँच हो या जाँच ना हो तो फिर रिकाउंटिंग हो, रिकाउंटिंग ना हो तो फिर चुनाव भी करवाएँ,